बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। माय नेम इज़ मुबर हयात एंड आई एम फ्रॉम सेक्शन ए टू सी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। आई एम डूइंग द बीएस केमिस्ट्री एंड टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय टॉपिक ऑफ एयर पोल्यूशन सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स इन पाकिस्तान। So first of all, we are discussing about the what are the definition and what are the air pollution, or we can say the definition of air pollution. We are always listen about the air pollution. There is a lot of air pollution in the industrial areas or the big cities of Pakistan. Even then now in the low cities of and the backward cities also facing this problem of air pollution and the in the form of smogs, which are we are really familiar with this term of smog in the season of summer seasons, winter seasons, and there is a lot of smog in big cities of Pakistan. And what is the air pollution? And the air pollution is just contain the gases and the dust and the particles in the air. कि ये जी एयर पोल्यूशन जो हमारे पास है वो डस्ट फ्यूम्स डिफरेंट किस्म के एयर पार्टिकल्स जो हार्मफुल अमाउंट्स जो हार्मफुल अमाउंट्स तक द इन चीज़ों का गैसेस का किसी भी सीड्स का एक लिमिट से हार्मफुल लिमिट्स तक चले जाना हमारे पास है जो डस्ट पार्टिकल्स का गैसेस का जो हमारे पास मौजूद होती हैं जैसे फ्लोरोकार्बन डस्ट पार्टिकल्स जैसे गर्द गुबार के होते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज की फॉर्म में होती है जो इसका एक हार्मफुल मकदार का या धुएँ का एक एक्से लेवल तक पहुँच जाना कि जो हमारे पास जो एक लिमिट तक पहुँच जाना हमारे बस नुकसान का बायस बने वो क्या होती है जी एयर पोल्यूशन उसका उसे नाम दे देते हैं हम लोग जाके। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन द आउटडोर एयर पोल्यूशन एंड देन वी हैव द इंडोर एयर पोल्यूशन। एंड द आउटडोर इन द आउटडोर एयर पोल्यूशन वी हैव स्मोक एयर पोल्यूशन पार्टिकुलर्स एसिड रेन्स एंड द ग्रीन हाउस गैसेज एंड द इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी आर डिटेल डिस्कस अबाउट द आउटडोर एयर पोल्यूशन। सो स्मोक वी नो द स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू स्मोक एंड फोग विच इज स्मोक एंड फोग एंड इन द when the smoke is formed, smoke इस वक्त बनती है कि जब हम लोग देखते हैं जी स्मोक हमारे पास मौजूद हो कि जब हमारे पास धुआं भी मौजूद हो और फोग यानी कि जिसे हम लोग नॉर्मल ज़ुबान में एक छोटा सा ह्यूमिडिटी की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है कि वो ह्यूमिडिटी भी हमारे पास मौजूद हो तो तब हमारे पास एक स्मोक बनती है हमारे पास आके। तो स्मोक बन रही है हमारे पास तो इसमें डिफरेंट किस्म की ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स दो पार्टिकल्स होते हैं जो यानी कि स्मोक और फोग के ज़रिए हमारे पास बनते हैं जब लोअर प्रेशर होता है हमारे पास। अगर सिंपली इसे सोच जब लोअर प्रेशर हो हमारे पास धुआं भी मौजूद हो डस्ट पार्टिकल्स भी हो और हमारे पास ह्यूमिडिटी यानी कि नमी हो हमारी इन्वायरमेंट में तो उस वक्त ये लोअर प्रेशर ऑफ गैस वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है लोअर प्रेशर ऑफ हवा का तो ये हमारे पास गैस कर देती है स्मोक को पार्टिकुलेट होते हैं हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं जब आयरन ये हैवी मेटल्स के जब बन जाते हैं तो ये भी गैस कर रहे होते हैं। फिर एसिड रेन होती है हमारे पास ये एयर पोल्यूशन के अंदर गैस कर रही होती है एयर पोल्यूशन का बायस बनती है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा। और फिर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती हैं जिस जो हमारे पास है एयर कंडीशन और ये दूसरी हमारे पास मौजूद होती हैं रेफ्रिजरेटर से बन रही होती हैं। फिर इंडोर एयर पोल्यूशन जो हमारे पास होती हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हो गई कार्बन डाइऑक्साइड्स मोनोऑक्साइड्स हो गई वुड बर्निंग हो गई स्मोकिंग हो गई गैसेज हीटर्स हमारे पास जो काज कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं हमारे पास। ये कैसे बन रही थी वुड बर्निंग जब हम लोग आग जलाते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड उससे बन रही होती है कि कम ऑक्सीजन के अंदर हम लोग घरों में आग जलाते हैं अंगीठियों के अंदर हम लोग इवन आग जलाते हैं जो तो उससे भी ये काज कर रही होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है क्योंकि वो कम ऑक्सीजन के अंदर ये बन रही होती है। फिर हमारे पास स्मोकिंग होती है हम लोग सिगरेट वगैरह सिगरेट नोशी करते हैं या हम लोग उससे भी धुआं काज हो रहा होता है हम लोग हीटर जलाते हैं घरों में सर्दियों में कमरों को गर्म करने के लिए या वैसे हम लोग जला रहे होते हैं बाज़ुकात गैस के चूल्हे जलाते हैं तो उससे भी ये हमारे पास काज कर रही होती है डिफरेंट किस्म की गैसेज उससे बनती हैं हमारे पास काज बन रहा होता है इसका एक काज होती है ये। इसके अलावा जो काजेज़ होते हैं दो किस्म के हम लोग काजेज़ में जो इसके कर रहे होते हैं वो
नेचुरल सोर्सेज को करते हैं और फिर ह्यूमन रिसोर्सेज. इन द नेचुरल सोर्सेज वी हैव द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फायर्स, वोल्केनोज, मेथेन्स एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड द डस्ट स्टॉर्म्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं. तो वाइल्ड फायर में हम लोग देखते हैं जी बार बार लाइटनिंग होती है, हम लोग कभी बारिश हो रही होती है, डायरेक्ट लाइटनिंग हो रही होती है तो उससे आग लग जाती है, जंगल की आग जैसे बोलते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा एक नुकसान होता है हमारे पास. उसके बाद हमारे पास वोल्केनोज इरप्शंस होती हैं, जब उससे भी वायर ये काज कर रही होती है, डस्ट पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल्स उससे बनते हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास काज होते हैं इससे वोल्केनोज के इरप्शन से. हमारे पास वो भी हमारे पास काज कर रही होती हैं जो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे नुकसान दे बायस के नुकसान की चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, वो भी काज हो रही होती हैं. उसके बाद फिर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पर जो हम लोग देखते हैं कि जी इंसानी इंसान जो इसके ऊपर काज करते हैं, हिंदी इंसान जो जी काज कर रहे होते हैं एयर पोल्यूशन में, तो वो ऑटोमोबाइल्स हैं, फ्यूम्स हैं, बर्निंग वुड्स हैं और दूसरी किस्म के हम लोग जैसे अंगीठियाँ वगैरह या चूल्हे वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं, चिमनियों से हमारे घरों में यूज़ होने वाली आग, बर्निंग वुड्स कर रहे होते हैं हम लोग, इससे बचना चाहिए, इसे जितना कम हो सके रिड्यूस करना चाहिए उससे कर सकते हैं हम लोग. फिर ज़्यादा यूजेज ऑफ एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ एनर्जी को हम लोग इसे ब्लेम कर सकते हैं, हम लोग इसे कर रहे होते हैं, काज करते हैं ह्यूमन इससे. फिर पोल्यूटेंट्स जो इसमें होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास बन रहे, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा मिकदार इसकी हमारे पास अगर हो जाएगी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो जाती है, पोल्यूटेंट्स होते हैं वो मिक्सचर अप हो जाता है. फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जब धुएँ के ज़रिए जो धुआँ एक्चुअली हमारे पास होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फार्म में ही होता है. क्यों जी? क्योंकि हम लोग जैसे कि हम लोग देखते हैं जी आग जलाते हैं या घरों में आग जलाते हैं या वैसे कहीं बाहर हम लोग कूड़े की जगह जहाँ पर होती है उसे लोग आग जला देते हैं, वो जलती रहती है मुसलसल, थोड़ा थोड़ा वो जलती रहती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का बायस बन रही है, तो धुआं बन रहा होता है उसे कार्बन मोनोऑक्साइड का बायस, वो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो रही होती है, और जब इन्वायरमेंट में शामिल हो रही होती है वो ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हो गई है वो हमें मिलनी ही मिलनी है, जो हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं अपने ब्रीथिंग के दौरान. फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास किस तरह बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर एसिडिक रेन की एसिडिक रेन का बायस बनते हैं हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड का बायस बनते हैं हमारे पास एसिड रेन में ये. उसके बाद हमारे पास आते हैं ग्राफिकल इन्वायरमेंट जो होते हैं ग्राफिकल इन्वायरमेंट के हम लोग कौन सी चीज़ कौन जो है सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है. हम लोग एक दूसरे को इन ब्लेम तो कर रही होती हैं कि इंडस्ट्रियल वाले ब्लेम कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों को ब्लेम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री वाले को, और ये दोनों बाज़ात ब्लेम कर रहे होते हैं इंसानों को जो जी या खुद दूसरे लोगों को जी आम लोगों को जी ये काज करते हैं, लेकिन हम लोग सब लोग इसमें इक्वल जहाँ तक हम लोग हिस्सा इसका बन सकते हैं ना हम लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं कि बतौर इंसान के हम लोग अपने माहौल को गंदा करें और अपने लिए सांस लेने के लिए कुछ साफ़ सुथरी फ़िज़ा ना छोड़ें, हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं. तो हम लोग छोटे से इसमें एक देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व और फैक्टर्स जो हमारे पास होते हैं उसमें. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये इंडस्ट्री, जिसका सबसे ज़्यादा हमारे पास काज हो रही होती है इंडस्ट्री में. सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है ना वो हमारे पास काज करती है. इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, हर किस्म की इंडस्ट्री होती है. सबसे ज़्यादा थर्मल और ये पावर प्लांट्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा काज कर रहे थे. फिर उसके बाद ये गैस के ऊपर चलने वाली इंडस्ट्रीज, ये एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा काज कर रहे हैं, क्योंकि इनमें थर्मल प्रोडक्ट्स, थर्मल पावर प्लांट्स भी होते हैं और गैस के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट्स होते हैं. इनकी छोटी सी मिसाल हमारे पास ये रिसेंटली हमारे पास लगने वाले ये जो ब्लो की थर्मल पावर प्लांट की है जो पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के हम लोग में देंगे, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो इसको ख़त्म कर रहे हैं कि हम लोग ने थर्मल के ऊपर इंसार नहीं करना, हम लोगों ने दूसरी पानी के ऊपर जो पन बिजली है उसके ऊपर इंसार करेंगे हम लोग, लेकिन वाटर सोर्सेज से पैदा होने में, लेकिन हम लोग हैं जो इसी तरफ चलते जा रहे हैं कि जहाँ से हम लोग ज़्यादा नुकसान की तरफ जाते हैं बतौर पाकिस्तानी जो हमारी रवायत है. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं व्हीकल्स हैं, जो मोटर गाड़ियाँ हैं, हम लोग इसमें पेट्रोल जो यूज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा काज करती है इस चीज़ को, इससे बचना चाहिए हमें कि ये अगर हम लोग बचेंगे
तो ही हमारा, अगर प्राइवेट यूज़ करने के बजाय हमारे लोग लोकल जो होती है उसको यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट को, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास है ये चीज़ व्हीकल के ज़रिए जो हम लोग इसका बतौर हिस्सा बन रहे हैं वो नहीं बन सकेंगे। फिर उसके बाद डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन से यूनिट्स होते हैं वो भी इसका काज कर रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं जो वो कैसे, तो वो यू इस तरह कि वो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ये होती है, इसकी प्रोडक्शन होती है जी, CNDVST जिसे बोला जाता है, वो प्रोडक्शन साइट के ऊपर गर्दोगुबार के एक तूफान बरपा होता है जहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसके लिए हम लोगों ने खास कोई इंतज़ाम नहीं किया होता। फिर जी बायोमास के यूजेज से भी ये काज हो रही होती है। फिर अदर रिसोर्सेज में जैसे हम लोग अगर हम लोग इन बतौर घरेलू जो इंडोर हम लोग जिसे बोल रहे हैं कि इंडोर तौर पे जो यूजेज हो रही होती है वो भी एक खासा हिस्सा रखती है इसके अंदर। हम लोग कह रहे हैं कि जी 10% तो कम अज़ कम इसका पार्ट है इसके अंदर, हम लोग जो काज कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को, हम लोग सिर्फ ब्लेम व्हीकल्स को और इंडस्ट्रीज़ को और अदर चीज़ों को नहीं दे सकती, हम लोग बतौर घर में रहने के लिए आम इंसान भी इसके अंदर उतना ही अपना किरदार अदा कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे प्राइमरी मैकेनिज्म जो होते हैं जिसको साफ़ करने के लिए, आलूदा हवा को साफ़ करने के लिए ना डिफरेंट किस्म के यूजेज किए जाते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि हमने बतौर इंसान हम लोग ज़िंदा तो साफ़ हवा में ही रह सकते हैं, उसके बगैर हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट किस्म की फॉर्मेशन ऑफ VOC होती है, हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल जनरेशन ऑफ VOC होती है, फिर फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड्स एरोसिल ड्रॉपलेट्स होते हैं, एंथ्रो मॉर्फिक जनरेशन ऑफ पार्टिकुलर एरोसिल्स होती हैं, बायोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर एरोसिल्स होती हैं, पार्टिकुलेट एरोसिल्स होती हैं फॉर्मेशन के लिए। इसमें ये जो सबसे ज़्यादा जो बतानी हमारे जो कॉमन यूज़ किया जाता है और बताना भी ज़रूरी है हमारे लिए वो VOC है, जिसमें हम लोग वेंटिलेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, जो वेंटिलेशन सिस्टम ये इस तरह का यूज़ होता है कि जिसमें हम लोगों ने फिल्टर एयर को हमें मुहैया करता है, हमारे पास एक साफ़ सुथरा माहौल दे के हमें मुहैया कर रहा होता है ये हमारे पास है। प्राइमरी मैकेनिज्म के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं जी सेकेंडरी मैकेनिज्म जी, इसमें भी हम लोग जदोजहद कर रहे होते हैं कि हमारे पास साफ़ और ताज़ा हवा में मैसर हो, तो इसके लिए हम लोग कंडेंसेशंस एडजॉर्प्शंस और न्यूक्लियसेशंस का प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्यों वो थोड़ा सा हमारे लिए ये चीज़ें सेकेंडरी तौर पे कम यूज़ किया जाती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये महंगी भी होती हैं या बाज़ दफ़ा ये हमारे लिए यूज़ के काबिल नहीं होती हैं या बहुत कम यूज़ किया, बहुत कम लेवल पे यूज़ किया जाते हैं। फिर इफ़ेक्ट्स हम लोग बात करते हैं कि इफ़ेक्ट की काज क्या करती हैं, ये ह्यूमंस के ऊपर इफ़ेक्ट की बात करें तो डिफरेंट किस्म की डिज़ीज़ होती हैं, एग्जांपल्स ऑफ डिज़ीज़ हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाई इन्फेक्शन होता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है हमारे पास, फिर हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है लंग्स का इन्फेक्शन होता है। स्मोक के दिनों में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, क्यों इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं जी, डायरेक्टली आपके ऊपर ये इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं थ्रॉट इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद अदर देन इसके ह्यूमन एसिड रेन का भी इफेक्ट हो रहा होता है, लेकिन ये दूसरी चीज़ों के ऊपर हमारे जंगलात के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, हमारी लेक्स के ऊपर इफेक्ट करता है, हमारी मरीन लाइफ के ऊपर ये इफेक्ट कर रहा होता है, जबकि क्योंकि एसिड रेन इसी से एयर पोल्यूशन नहीं होगी तो एसिड रेन नहीं होगी, अगर एसिड रेन मौजूद है जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था इस चीज़ के बारे में कि जब एसिड रेन का जब हम लोग देखते हैं ना एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये सारी NO2 और CO2 SO2 जो ज़मीन में मौजूद होंगी, अब फ़ज़ा में मौजूद होंगी, तो वो ही हमारे पास काज क्या कर रही होती हैं, इसी चीज़ को हमारे पास काज करती हैं एसिड रेन को। फिर वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है इससे, वाइल्ड की जब जंगलात ही नहीं बचेंगे तो वाइल्ड लाइफ का क्या हमारे पास हो जाता है, और उनको भी रहने के लिए भी कुछ जंगलात के ऊपर इंसार होता है, बाज़ चीज़ें वो हम लोग डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, हमारी एयर पोल्यूशन है जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है इन सब चीज़ों को, वाइल्ड लाइफ के ऊपर ओजोन डिप्लिकेशन के ऊपर हम लोग सबसे जो ज़्यादा सबसे बड़ा और सबसे जल्दी नुकसान जो हम लोग एक अपने लिए कर रहे हैं वो ओजोन डिप्लिकेशन है। वो ओजोन डिप्लिकेशन किस तरह होती है, अंटार्कटिका के अंदर हम लोग देखते हैं ओजोन डिप्लिकेशन से हम लोग ख़ास तनासब में अंटार्कटिका में एक इसका एक ओजोन होल के तौर पर हमें सामने वो जो एक हमें मिला है कि जी ओजोन होल बन गया, वो जो हमारे लिए बहुत एक था कि सदमे के तौर पे हमें सामने आया, लेकिन वो हमारी अपने ही किए कर्मों का हमें जो हमारे सामने आया था कि हम लोग जितनी पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमारे पास वो काज हो रहा होता है ओजोन डिप्लिकेशन से। फिर क्रॉप एंड फॉरेस्ट डैमेज जो हमारी फसलें हैं और फिर हमारे जो जंगलात हैं उससे
डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे थे। ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज इसमें आ रहे हैं कि हम लोग देखते हैं जी सडन चेंजेस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, कि हम लोग पहले जो देखते थे कि वो एक सीक्वेंस के साथ चेंजेस आती थी, कि वो मंथली चेंजेस होती थी कि इस मौसम में सर्दी होगी, इसके बाद ये आती है, फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आना या आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का आना। लेकिन अब जब देखते हैं कि इंतहा आज अगर सर्दी नहीं है तो हम लोग देखते हैं कल बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये सडन चेंजेस जो होती हैं हमारे पास इन्वायरमेंट की, फिर हमारे पास ग्लेशियर्स का गर्मी के बढ़ जाने की वजह से ग्लेशियर का पिघलना भी हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हमारे ऊपर इन्वायरमेंट के ऊपर 9.9 जो मिलीमीटर्स जो है ना, 9.9 मिलीमीटर्स हैं जो, वो हर साल समंदर का पानी भर रहा है और जजीरे जो पानी के अंदर धंस रहे हैं, ये इसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और एक और इसका हमारे अगर हम लोग जो चीज़ें सोच भी नहीं सकते उसका भी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि इकोनॉमी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम को, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें हमारे पास इफ़ेक्ट कर रही है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग दचका तब लगता है जी इकोनॉमी के ऊपर कैसे एयर पोल्यूशन इफेक्ट करती है। तो इकोनॉमी के ऊपर जो हमें डिस्कस भी करना चाहिए, इकोनॉमी के ऊपर किस तरह इफेक्ट करती है, तो ये इकोनॉमी के ऊपर कुछ यूँ इफेक्ट करती है कि जब हमारे पास स्मोक का सीज़न आता है तो हम लोग कहते हैं जी हैवी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूसर जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद कर दिया जाए, जैसे कि ब्रिक्स किलन्स जो होती हैं इनको बंद कर दिया जाता है। फिर हमारे पास थर्मल प्रोडक्ट्स जो एनर्जी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास वो देखते हैं जी इस इन दोनों चीज़ों के बाद सेकंड चीज़ के तौर पे जो आई हमारे पास उन चीज़ों को बंद कर दिया जाए, उसको नहीं हम लोग जो यूज़ कर रहे थे, हम लोग कहते हैं हैवी ट्रैफिक्स को कुछ अर्से के लिए बंद कर दिया जाए ताकि उससे कम काज हो या ट्रैफिक के यूजेज को कम कर दिया जाए, जो हमारे पास इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इंडस्ट्रीज़ को बंद करेंगे हम लोग, ब्रिक्स स्केलिंग को बंद करेंगे, इंडस्ट्री अपनी बंद करने से हमारे इकोनॉमी के ऊपर एक डायरेक्टली इन्फेक्ट इम्पेक्ट इसका पड़ता है। फिर मिटिगेशंस जो हम लोग देखते हैं जी, मिटिगेशंस किस तरह होती हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है, तो इसके लिए सबसे बचा जाए सबसे पहले जो हमें बतौर एक आम आदमी के तौर पर हमें इसके लिए या काम करना चाहिए, तो वो सबसे पहले जो होती है हमें करना चाहिए कि अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए ताकि कम पेट्रोल यूज़ हो, कम ये सारी चीज़ें यूज़ हों और हमारे पास हम लोग इससे बच सकें। और कम जब जो चीज़ जितनी कम यूज़ होगी उतना ही उसका फ़ायदा भी हमारे पास सामने आता है। फिर उसके बाद वो जो वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर काम जो हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल्स की कॉन्फ्रेंसेस किए जा रही हैं, फिर इसके ऊपर यूजेज ऑफ इसमें फॉरेस्ट का लगना, और हमारे जैसे कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है इसके ऊपर जो चीज़ कर रही है वो यूरो 2 हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते थे, ये ऑयल यूज़ करते थे, उसको अब यूरो 5 के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर ये प्लांट जो लगा रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, जंगलात का लगाना, फॉरेस्टिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी जगह है जो हमारे पास वो एक इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग इकदाम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी यही इकदाम किए जा रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए फिर हमारे पास यूजेज ऑफ एनर्जी जो है ना, हमें उसे कम करना चाहिए। यूटिलाइजेशन जितनी हम लोग कंज्यूम कम करेंगे उतनी प्रोडक्शन उसकी कम होगी, तो हमारे पास क्योंकि अब हमारे पास पानी का मसला तो पहले ही है हमारे मुल्क में, तो इससे बचने के लिए हमें वो थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए हमें कम एनर्जी यूज़ करनी की चाहिए बतौर आम इंसान जो हमें चीज़ें करनी चाहिए। और वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह का यूज़ वो खैर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और गवर्नमेंट जहाँ तक हो सकती है उसे कंट्रोल करती है, लेकिन आम इंसान के तौर पर हमें जो करना चाहिए वो हमें ये करना चाहिए। जी कंक्लूशंस एंड रिकमेंडेशंस हमारे पास आ जाएंगी। सॉरी फॉर दैट इंटरप्शंस, आई हैव सम प्रॉब्लम विद माई स्लाइड्स। सो कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस में हम लोग इसके देखते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जी अपने
हवा को बचाएं कि किस तरह हम लोग अपनी फ़ज़ा को आलूदगी से बचाएंगे तो हम लोग ज़िंदा रह सकेंगे। अगर फ़ज़ा आलूदा है तो हमारे लिए सांस नहीं लेना मुश्किल है, अगर सांस नहीं ले सकेंगे तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। लाइफ विल बी रेयर विदाउट सेफ एयर, इस फार्मूले के ऊपर या इस एक लाइन के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सी मुसीबतों से हम लोग पाई सकते हैं और आने वाली नस्लों को हम लोग अपनी एक खूबसूरत और बहुत ही पाकीज़ा हवा दे सकेंगे और साफ़ सुथरी हवा दे सकेंगे इसके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशंस एंड होप कि आप लोग इससे कुछ सीखेंगे और ये हमारे लिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे इसको अपनी अपनी लाइफ के लिए और ये बहुत ही अच्छा साबित हो सके, उम्मीद है कि आप लोगों के। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इस सब के लिए थैंक यू सो मच।